एक ब्रिज जिसमें ना तो खंबे हैं और ना ही नट बोल्ट, फिर भी सदियों से तनकर खड़ा दुनिया की अनेकों गाड़ियों का बोझ उठा रहा है। एक ब्रिज जिसने भारत की तरक्की के साथ साथ जापान का हमला भी झेला। एक ब्रिज जिसने विश्व युद्ध, आजादी की जंग, आंदोलन, देश की आजादी और अकाल, ये सब देखा। एक ब्रिज जिसका नाम अब रविंद्र सेतु है, लेकिन आज भी अपने पुराने नाम के लिए बेहद मशहूर है। एक ब्रिज जिसके बूढ़े होने के कारण इंसान की नशे की लत है। दोस्तों, दुनिया में आज इतने खूबसूरत ब्रिज हैं जिनके आकार, साइज और न्यू टेक्नोलॉजी सभी को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन एक ब्रिज ऐसा भी है जो टूरिज्म के लिए मशहूर तो है, लेकिन दोस्तों उसने जो देखा वो शायद ही दुनिया के किसी और ब्रिज ने देखा होगा। ब्रिटिश शासन से लेकर आजादी और आज भारत की तरक्की, फिर भी अपने अनोखेपन को संभाले हुए लोगों को नदी पार करवा रहा है। ये पुल बेहद अनोखा और मशहूर है। कई समय अंतरालों को इसने अपने ऊपर झेला है, पर आज ये पुल इंसान की नशे की लत पानी में ढा देगा। क्या आप मानेंगे, जो ब्रिज बिना नट बोल्ट के सदियों से खड़ा रहा वो महज नशे की लत से पानी में एक दिन डूब जाएगा? वेल, आज से कुछ साल पहले तक ये किसी ने नहीं सोचा था, पर देखिए सच्चाई बदलते हुए वक्त नहीं लगता। खैर, आज जब इसके बचाव के लिए कई रास्ते खोजे जा रहे हैं, हम आपको इस अनोखे ब्रिज की दास्तां सुनाते हैं। आज से पहले आपने ऐसी स्टोरी किसी ब्रिज की नहीं सुनी होगी, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहां का सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद आता है हावड़ा। कोलकाता हावड़ा के बिल्कुल विपरीत पश्चिम दिशा में है और इन दो शहरों के बीच एक नदी है जिसका नाम है हुगली नदी। दो बड़े शहर एक नदी के दो किनारे को छूते हुए, लेकिन एक दूसरे से दूर। लोगों की आवाजाही आज से नहीं थी, बल्कि सदियों से लोग इन दो शहरों के बीच यात्रा करते थे, उसी तरह जिस तरह गंगा नदी में यात्रा होती है, यानी नाव के जरिए। बीतते वक्त ने लोगों की यात्रा को तेज कर दिया। अब सरकार ने भी सोचा, क्यों ना आवाजाही और सामान के लिए यहां पर एक पुल बनाया जाए। यह कोई कॉन्क्रीट और सीमेंट का पुल नहीं होने वाला था, बल्कि महज पीपे का पुल बनने वाला था। इसलिए दोस्तों सरकार ने 1871 में एक्ट पास किया था, लेकिन साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने इस पुल को अंजाम दिया। उस समय पीपे के इस पुल को बनाने में 22 लाख रुपए खर्च हुए, जो आज करोड़ों की कीमत कही जा सकती है, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। ब्रिटिशियर्स के समय में भी भारत में विस्तार होता रहा और उसी दौरान 1906 में हावड़ा स्टेशन बना, जिसने इस पुल की जरूरत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसा होता देख एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी कि तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध हो चुका था, इसी वजह से ये काम शुरू नहीं हुआ। युद्ध बीतने के बाद साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए टेंडर जारी किया गया। टेंडर में जर्मनी की एक कंपनी ने बहुत कम पैसे का टेंडर भरा, लेकिन उस समय जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के बीच आपसी तनाव के कारण जर्मनी की कंपनी को ठेका नहीं दिया गया। बाद में यह ठेका इंडिया की कंपनी ब्रेथवेट जोसेफ कंस्ट्रक्शन को दिया गया। इस नदी पर कैंटीलीवर टाइप का ब्रिज बनाने के लिए 26,500 टन का स्टील इस्तेमाल किया गया, और उस वक्त इतना स्टील इकट्ठा कर पाना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन पुल का निर्माण भी जरूरी था। इसलिए उस समय सबसे ज्यादा स्टील बनाने वाली कंपनी टाटा ने कहा कि ये जिम्मा हम अपने हाथों में लेंगे, और करीब 23,000 टन स्टील इस पुल के लिए सप्लाई किया। स्टील मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया, जिसमें ब्रिटिशियर्स की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे जैसा भी बने, लेकिन ब्रिज के नीचे कोई खंबा नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली शिप्स को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हावड़ा ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया तो उसमें सिर्फ 4 खंबे बनाने की बात हुई, जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे, जिसका मतलब ये था कि पुल के बीच में कोई भी खंबा नहीं होगा, ना ही पुल को तारों से लटकाया जाएगा। पूरा ब्रिज महज नदी के दो किनारों पर बने 280 फीट लंबे दो खंबों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। नदी में कोई भी पाया नहीं है, ऐसा पुल बना पाना नामुमकिन था, पर आज ये जीता जागता करिश्मा एक सदी से हमारे बीच खड़ा है। इसके साथ ही साथ हैरान कर देने वाली बात अभी हमने आपको बताई ही नहीं। याद कीजिए, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों,
जहां ये पुल दो सिरों पर बने दो पायों पर टिका है, वहीं इसकी स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय मेटल की बनी किलो यानी कि ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया है। खैर जो भी हो, लेकिन पुल तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बना। इतना शानदार ब्रिज, तो सोचिए इसका उद्घाटन कितना शानदार रहा होगा। पर दोस्तों, ये दुनिया का पहला ब्रिज होगा जिसका उद्घाटन तक नहीं हुआ। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। दरअसल 1936 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो 1942 में जाकर खत्म हुआ। तब तक दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका था। दिसंबर 1942 में ही जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर जाकर गिरा। इसलिए तय हुआ कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। फिर 1943 में इसे सीधे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, जब यह ब्रिज बना था तब इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया था। बाद में 1965 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। आज देखा जाए तो रोजाना 1.25 लाख गाड़ियां और 5 लाख लोग इस ब्रिज से गुजरते हैं, पर आज भी ये अपने आप को तान कर खड़ा है। वहीं एक हैरानी की बात यह भी है कि आज भी ये ब्रिज दोपहर 12 बजे और रात को 12 बजे बंद कर दिया जाता है। ये बात थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन यहाँ इंजीनियर्स का मानना है कि अगर ये ब्रिज कभी गिरा तो वो समय 12 बजे का होगा। अब कौन से 12, इसका कभी खुलासा ही नहीं हुआ। पर 12 बजे ही क्यों, ये जवाब किसी के पास नहीं है। पर इस ब्रिज की सलामती के लिए इसे आज भी 12 बजे बंद कर दिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों उस कारण पर जिसके बारे में आप काफी देर से सोच रहे होंगे कि कैसे इस ब्रिज को खराब या बूढ़ा करने के पीछे इंसानी नशा जिम्मेदार है। दोस्तों, जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है। अब इस जंग की वजह पान है। रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर्स बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका हुआ है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले 7 सालों में आधी रह गई। जरा सोचिए, जिस पुल को जापानी बम नहीं गिरा सका उसे पान के थूकने से आज हम खो देंगे। वेल, दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार इसके रख रखाव में कोई कमी छोड़ती है। इसको पेंट करवाने और पक्षियों के द्वारा गंदगी फैलाने के बाद साफ करने तक सभी में सरकार हर साल लाखों रुपए का टेंडर निकालती है और उसे साफ भी करवाया जाता है। लेकिन जरूरत है लोगों को समझाने की। जिस पुल ने हमारी आवाजाही में इतना साथ दिया, उस पर थूक कर इसकी सुंदरता खराब करना भारतीय संस्कृति नहीं है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सहयोग बढ़ाएं। वेल, दोस्तों, ये थी खबर हावड़ा ब्रिज के बारे में, जिसे बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।